अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चना चटपटा बनाने जा रही हूँ घुगनी। ये हमने चने को बॉयल करके रख दिया है। ये हमारा 150 ग्राम चना है, टमाटर है, ये दालमोठ है, ये प्याज है, ये अदरक लहसुन मिर्ची कतरा हुआ है, ये चाट मसाला है, ये नमक है, ये धनिया पत्ती है। मैं रिफाइन देने जा रही हूँ। ये रमज़ान स्पेशल है इसलिए मैं थोड़ा सा चटपटा बना रही हूँ घुगनी। मैं इसमें थोड़ा सा प्याज भी, चटपटा घुगनी बना रहे हैं, अच्छा लगता है इस टाइप का घुगनी वगैरह बनाने में। रमज़ान में पकी हुई चीज़ इडली करके कीजिए, शोरबा वाला रस वाला नहीं पसंद आता है। ये ज़्यादा नहीं इसको करना है ताकि कच्चा प्याज खत्म हो जाए, कच्चा कच्चा नहीं महके, बस इतना ही कम इसको करना है, गुलाबी भी नहीं करना है, बस हो गया। थोड़ा सा कच्चा कम इसका ख़त्म हो गया, ये हो गया। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी, बहुत ईजी ये मैं बनाऊँगी, बहुत ही ईजी, आपको भी पसंद आएगा। चना में हमने कुछ नहीं किया है, चना में सिर्फ हमने नमक दे करके उसको बॉयल किया है। आप चाहें तो बेकिंग सोडा दे सकती हैं, लेकिन हमने बेकिंग सोडा नहीं दिया। ये देखिए, ये हमारा ये पानी सूख जाएगा, ज़्यादा नहीं सुखाना है, बस हल्का सा इसको मला देना है। बहुत मज़ेदार, यकीन जानिए बहुत मज़ेदार ये बनता है। अब मैं इसमें चना डाली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबली चना का भी बना सकती हैं, हमने ब्लैक चना का बनाया, काबली का नहीं बनाया। अब ये पानी सूख जाएगा तब इसमें बाकी सामान देंगे। हमारा ये स्पेशल घुगनी, चटपटी चटपटा घुगनी, रमज़ान स्पेशल, ये तैयार होने पर आ चुका है। अब मैं इसमें हल्का सा नमक दूंगी, इसलिए कि अभी हमको चाट मसाला भी देना है। आप नमक अपने हिसाब से देंगे, और चने में भी हमने उबालने में नमक दिया था। ये देखिए, थोड़ा सा भी पानी और है, थोड़ा सा और पानी है, गल जाए टमाटर पानी छोड़ देता है। ये बहुत, यकीन मानिए बहुत मज़ेदार ये बनता है, एक बार ज़रूर से ज़रूर बनाएंगे। अब मैं इसमें चाट मसाला दी, ये देखिए, आप चाहें तो धनिया पाउडर भी दे सकती हैं, कश्मीरी मिर्च वगैरह भी दे सकती हैं, हमने नहीं दिया है, आप दे सकती हैं। ये अब हम ये देने जा रहे हैं, लहसुन अदरक जो काट करके रखे हैं, बहुत मज़ेदार टेस्टी होता है ये सब नाश्ता बनता है। तो रमज़ान में इफ्तार में अच्छा लगता है, इंसान को बदल बदल करके हर चीज़ बनाना चाहिए, खाना चाहिए। बताने में समझाने में जो भी गलती होती होगी माफ़ करेंगे, नए होंगे सब्सक्राइब करेंगे, पुराने होंगे लाइक कमेंट करेंगे, बेल दबाएंगे। बेल दबाने से फ़ायदा है कि आपको मेरा हर नया एपिसोड आपको पहले पहुँच जाएगा। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब किया करें, थोड़ा नहीं करें, बहुत मेहनत लगता है कैसे एपिसोड बनाने में। सोचते हैं देखिए, अब पूरा पानी ड्राई हो गया, अब नहीं है कहीं पर भी पानी, थोड़ा थोड़ा चलाएंगे, तब इसके बाद इसमें अब धनिया पत्ती देंगे, नींबू देंगे, नींबू दिखाना भूल गए थे, ये अब थोड़ा सा धनिया पत्ती दिया। झटपट से नाश्ता ये बनने वाला 5 मिनट में तैयार हमारा नाश्ता, अजान होते होते में भी ये बन जाएगी, देर भी नहीं लगेगा बनाने में। देखा हमने कितने, मैं इसीलिए मैं हर नाश्ता जब रमज़ान शुरू हुआ है सोच सोच करके आप लोगों के लिए बना रही हूँ, जो खा रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा। अब मैं इसमें नींबू डालूँगी, चाट मसाला भी दिए हैं क्योंकि ये चटपटा है घुगनी, ये घुगनी है, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए
अब ये हमारा हो चुका। अब मैं गैस बंद करूँगी और तब इसमें दाल मूठ डालेंगे। गैस हमने बंद कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें थोड़ा सा दाल मूठ दे रही हूँ। रमज़ान स्पेशल ये घुगनी, जो बिहारी डिश भी कही जाती है, घुगनी हर जगह मिलती है। रमज़ान में अफ्तार बनता है, मार्केट में भी पूरा बिकता रहता है। घुगनी है, फुल्की है, कचरी है, हर चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको निकाल रही हूँ। ये मैं इसको सर्विसिंग प्लेट में निकाल रही हूँ। जो भी गलती होती होगी माफ करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं हर के कमेंट का जवाब देती हूँ, मुझे कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है। प्लीज 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 हमें कमेंट किया करें, बताया करें कहाँ पर गलती है। ये नींबू डाला, थोड़ा सा और धनिया पत्ती दी। ये देखिए हमारी घुगनी, चटपटी घुगनी तैयार हो चुकी, मज़ेदार घुगनी तैयार हो चुकी। बताने में समझाने में जो भी गलती हो रही होगी माफ करेंगे। नए होंगे सब्सक्राइब करेंगे, पुराने होंगे लाइक कमेंट शेयर करेंगे। अस्सलाम अलैकुम।